हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतना किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज टमाटर और नमकीन की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार चटनी बनाएंगे। बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, एक नींबू लिया हमने, और ये मैंने नमकीन ली है, ये हरा धनिया लिया है, और ये मैंने दो छोटी हरी मिर्ची ली है। तो प्याज और टमाटर को हमने अच्छे से कर लिया है कट, बिल्कुल बारीक कट करना है। दो हरी मिर्ची को कट कर लिया, ये मैंने हरे धनिया की कुछ पत्तियाँ ली है। नींबू हमें आधा ही चाहिए गया, ये हमें भूंदा हुआ जीरा, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये अमचूर पाउडर लिया है, ये नमकीन लिया हमने, ये अपना सादा नमक होता है ये लिया, ये गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, ये सेंधा नमक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चटनी बनाना। सबसे पहले हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, उस बर्तन के अंदर हम डाल देंगे प्याज, प्याज हमें बारीक कट करने हैं। और अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर, तो टमाटर भी हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। और अब डाल देंगे हरी मिर्ची, हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये हरी धनिया की कुछ पत्तियाँ डाल दी हमने, और अब हम डालेंगे जो भुना हुआ जीरा है वो डाल देंगे, ये मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये अपना सादा नमक डाल देंगे थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दी है अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और ये सेंधा नमक डाल देंगे चुटकी भर। बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है इन सभी चीज़ों से, और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है हमारी चटनी। और आप इसे सलाद के रूप में या फिर ऐसे भी चपाती के साथ खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। नींबू डाल दिया, नींबू का हमें आधा नींबू डालना है, पूरा रस डाल देना नींबू का, इससे अच्छा खट्टा बनाता है। वैसे हमने अमचूर पाउडर भी डाला था, ये ऑप्शनल है, अगर नींबू और अमचूर पाउडर दोनों डालना चाहे तो, वरना एक चीज़ ही काफ़ी है। और अब हम इसे चम्मच की सहायता से बिल्कुल अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये देखिए कितनी शानदार चटनी बनकर रेडी हुई है, बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ एक बार ज़रूर बना कर खाएँ इस चटनी को। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर नमकीन, बहुत ही क्रंची चटनी बनती है ये, इसे आप बिना रोटी भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार जरूर ट्राई करना। और एक बात और बता देती हूँ, जब भी आप खाओ तभी इसको बनाना, फटाफट पहले नहीं बना के रखना, वरना जो नमकीन का क्रंचीपन है वो चला जाएगा और इतनी टेस्टी नहीं लगेगी। तो ये देखिए हमारी नमकीन है वो कितनी शानदार बन के रेडी है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी नमकीन बन के रेडी हुई है, बहुत ही अच्छी चटनी बन के रेडी हुई है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।